Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the infinitive in past continuous tense. और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे sentences के बारे में जिसमें दो sentences आते हैं और पहला सेंटेंस किसी और टेंस के हिसाब से बनता है और दूसरा किसी और, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. डू यू नो सुरेखा, यस्टरडे व्हेन आई केम टू हाउस फ्रॉम मार्केट आई वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक. Oh, that's why you did not come to school. Did you take medicine? No, I didn't have. One day when I went to your house, your brother told me not to come to his house. Did he do such a thing? Yes, and when I asked him the reason, he started to ignore me. Tell me, Preeti, why was he treating me bad? I will ask him. Okay, Surekha, I leave now. Okay, bye. Friends, jab main school se ghar aaya, तो मेरी माँ खाना पका रही थी. जब मैं वहां पहुंचा, वे लोग खेल रहे थे. जब वो मुझसे मिला, मैं खाना खा रहा था. इस तरह की सेंटेंसेस के बारे में हम आज सीखेंगे. तो कम जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा, यह एक सेंटेंस हो गया. वे लोग खेल रहे थे. जब मैं वहां पहुंचा, वे लोग खेल रहे थे. तो इसमें समझना जरूरी है कि वे लोग खेल रहे थे, ये तो दिखता है कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे. बट जो ये सेंटेंस है, जब मैं वहां पहुंचा, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे. ये पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट कंटिन्यूअस तो है ही. तो हम सबसे पहले वे लोग खेल रहे थे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जैसे व्हेन आई रीच्ड देयर दे वर प्लेइंग, ये भी हम बोल सकते हैं. दे वर प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड देयर, ये भी बोल सकते हैं. तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम पहले इसको ही लिखते हैं. When I reached there, they were playing. When I reached there, they were playing. ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरे पिताजी सो रहे थे. When I came home from school, my father was sleeping. सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आप समझ जाते हैं तो. समझना भी कोई मुश्किल नहीं है. जैसा कि मैंने बताया, जब मैं स्कूल से घर आया, ये एक सेंटेंस हो गया. फिर दूसरा, मेरे पिताजी सो रहे थे, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. तो मेरे पिताजी सो रहे थे, इट इज ऑलरेडी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो देयर इज नो एनी कंफ्यूजन. तो सो रहे थे, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा ही. और जब मैं स्कूल से घर आया, तो जब मैं स्कूल से घर आया, ये तो साफ पता चल रहा है ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे. जैसे व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, माय फादर वाज स्लीपिंग. ठीक है फ्रेंड्स, जब वह मुझसे
मिलने आया। मैं टीवी देख रहा था। एक सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस हो गया। जब वो मुझसे मिलने आया मैं टीवी देख रहा था। तो व्हेन ही केम टू मीट मी, यहां पर अब इन्फिनिटिव भी आ गया। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी है, आप ध्यान देना। व्हेन ही केम टू मीट मी, तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, कि जब वे लोग वहां से गए, मैं एक सेंटेंस हो गया, वहां से गए मैं क्रिकेट खेल रहा था। जब वे लोग वहां से गए मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो सिंपल है, पहला सेंटेंस व्हेन दे वेंट फ्रॉम देयर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है, मुश्किल नहीं है। हम इसको अगर आप यहां से शुरू करते हो, लास्ट वाले सेंटेंस से भी शुरू करते हो तो भी गलत नहीं होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यार लास्ट वाला से शुरू करेंगे तो क्या होगा, कभी कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन दे वेंट फ्रॉम देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वैसे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना बोलते वक्त कि पहले कौन सा सेंटेंस बोलूँ, पहले जो भी सेंटेंस आ जाए बोल दो। बस टेंस का सही इस्तेमाल करना कि अगर लास्ट वाला आप बोलते हो पहले तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फर्स्ट वाला पहले बोलते हो तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और जाते जाते मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।